लोगों को उधर ही मिलेंगे आप लोगों को जो हमने दे दिया है ये कैसे थे जिला कुल कांग्रेस सेवक को स्वागत है आपके स्वागत और निरीक्षण के लिए आदि स्वागत लाइन तोड़ उनके साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आज के समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ सभी से सादर निवेदन दीप प्रज्वलन हमें संदेश देता है शुभारंभ किया गया महासचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस व राजनीतिक सलाहकार कांग्रेस अध्यक्ष श्याम जी श्री हरचंद शर्मा जी अध्यक्ष मनाली विधानसभा क्षेत्र वीर सिंह जी उपाध्यक्ष श्रीमती अरुणा ठाकुर जी सदस्य जिला परिषद कुल्लू व अध्यक्ष महिला कांग्रेस संयोजक राष्ट्रीय महिला कांग्रेस श्री देवेंद्र नेगी जी सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जी सदस्य हिमाचल कांग्रेस समिति श्री यहाँ प्रशस्ति पत्र और
नगद राशि से इन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं। हम इनके लिए इनका आभार भी व्यक्त करते हैं और हम इनका यहाँ स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। निवेदन रहेगा एसडीएम मनाली श्री रमन सिंह का अभिनंदन करें। एक तो पति का रोग, सास का रोग, सबका सुनना पति तो बोलता था कि नहीं मैं ही काफी हूँ, आप घर में रहो, आप घर संभालो। फिर सास होती थी, हमारी मौएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती, आप घर ही संभालो। तो वो महिला थी जिन्होंने अपना घर बार भी संभाला, जिन्होंने पति की सेवा भी की, बच्चों का पालन पोषण भी किया और उसी तरह से अपने पशुओं का भी देख रेख की, खेती में भी वो काम करती थी। और एक वक्त ऐसा आया जैसा भुवनेश गौड़ जी ने उसका जिक्र किया कि जब कांग्रेस की सरकार बनी। ये बात तो हमको मानना होगा कि महिलाएं अगर अपनी चार दीवारी से बाहर निकली है तो कांग्रेस की वजह से निकली है। श्री राजीव गांधी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तो वो ही थे जिन्होंने ये कहा कि हम पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए। आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ग्राम पंचायत की प्रधान है, कोई उप प्रधान है, कोई जिला परिषद में है, कोई पंचायत समिति में। ये आरक्षण जब हुआ तभी महिलाएं आगे आ पाई और तभी वो समाज की सेवा कर पाए। तो इसके लिए क्या हम इतने नाशुक्र गुजारे हैं कि हम उस पार्टी को भूल जाएं जिसने हमारा हाथ थाम के हमको आगे लाया। ये कांग्रेस पार्टी है जिसने हमको महिलाओं को मान दिया, सम्मान दिया और समाज में इतने बड़े बड़े उच्च स्थानों पर महिलाओं को पहुंचाया। देश की राष्ट्रपति वो महिला, स्पीकर विधान पार्लियामेंट की वो महिला, इस तरीके से जो प्रक्रिया चली उससे महिलाओं में भी एक आत्मविश्वास हुआ कि नहीं, जब ये महिलाएं ऐसे इतना कुछ कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी अपने गांव में रहकर, अपने क्षेत्र में रहकर समाज की
सेवा कर सकते हैं, समाज का कार्य कर सकते हैं, वो आगे अपने पांव पे खड़ी हो सकती है। इस धैर्य से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे प्राइमरी से लेके हाई स्कूल से लेके मिडिल स्कूल से लेकर 10+2 स्कूल भी इसलिए खोले कि लड़कियां पढ़नी चाहिए। आज लड़कियां शिक्षित है, 10+2 के बाद उनको कॉलेज भी बना के दिए, कॉलेज भी उन्होंने किया, कोई IIT कर रही है, कोई बाहर जा रही है। मुझे अभी लाहौल स्पीति का दौरा करके मैं आ रही हूँ, वहाँ जो हमारे विधायक है और एक धर्मपाल जी शायद यहीं बैठे होंगे कहीं, दोनों के बेटियां जहाज उड़ा रही है, बड़े बड़े जहाज, तो पायलट बनी है वो बेटियां, क्योंकि वो शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी। इसलिए पिछली बार जब मैं कुल्लू से दिल्ली जा रही थी तो वो बेटी आई, उसने मुझे सलूट किया, उसने कहा मैडम मैं आज आपको दिल्ली लेकर जा रही हूँ, आप लेके जा रही हूँ, कहती मैं पायलट हूँ, आपका जहाज मैंने चलाना है, तो इतनी बड़ी बात है। इसी तरह से हमारी महिलाएं और बच्चियां जो आगे बढ़ी है उसके लिए हमें सदैव माननीय वीरभद्र सिंह जी को सदा सदा याद रखना है कि उन्होंने हमारी लड़कियों को घर बैठे रोजगार दिया, घर बैठे उनको शिक्षित किया। आज हम गांव में जब दौरा करते हैं तो महिला आदमी को बोझती है कि आपको पता है आज हमारी बच्चियां घर का अनाज खाकर, घर की रोटी खाकर आज वो शिक्षा प्राप्त कर रही, नहीं तो गांव भेजना पड़ता था दूर दूर, जो कि हम उनको बोलते थे कि अच्छा 10वीं तक पढ़ गई बहुत हो गया, अब इसके आगे नहीं हम आपको पढ़ा सकते, क्योंकि लड़कियों को बाहर भेजना भी एक बहुत मां के लिए एक दर्दनाक बात थी। तो उस परिस्थिति को देखते हुए भी जो गांव-गांव में स्कूल खुले हैं, गांव-गांव में कॉलेजेस खुले हैं, उसकी वजह से हमारी लड़कियां बहुत आगे बढ़ी हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मनो महिला मंडल और भिंडवा महिला मंडल और डुंगरी महिला मंडल सजना ग्राम पंचायत सजना पंचायत जिला कुल्लू